बंबई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के अंधेरी पूर्व जेबी नगर इलाके में हम खड़े हैं। श्री गणेश कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्थित है भारत गैस एजेंसी, जहां पर वर्ल्ड ट्रक फाउंडेशन की तरफ से बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और यह आंदोलन खास करके वॉच डॉग फाउंडेशन ने समय समय पर मुंबई करों की कई मांगों को लेकर सड़कों पर आंदोलन किया। आक्रोशित भाव से बड़े पैमाने पर भीड़ आज हमारे कैमरे के सामने खड़ी है, और यह जानने के लिए उनके अंदर जिज्ञासा बनी हुई है कि केंद्र सरकार कई योजनाएं लोगों के लिए क्रियान्वित तो करती है, लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। और आज पहले महंगाई, उसके बाद भ्रष्टाचार, और अब एक गैस सिलेंडर जो है वह लोगों की गले का फांस बन चुका है। और लोग परेशान है कि आखिर वास्तविकता क्या है। यदि एक व्यक्ति के नाम पर गैस सिलेंडर है और उस व्यक्ति की यदि मौत हो जाती है, तो ऐसे में यदि उसका वारसदार यदि चाहे सरकार द्वारा जो लागू की गई गैस सिलेंडरों में जो सब्सिडी है उसका फायदा लेने के लिए, तो उसे बद से बदतर परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। उसे एक दो नहीं बल्कि 3 से 4 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे पहले यह साबित करने के लिए कि जिस व्यक्ति के नाम पर गैस सिलेंडर अधिकृत है, क्या उसका वह सही वारसदार है। ऐसे कई सवाल है जो निकोलस अल्मेडा की संस्था इसे लेकर सड़कों पर उतर चुकी है। हम खुद जाने की कोशिश करते हैं। निकोलस अल्मेडा हमारे साथ है, पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं। निकोलस साहब, क्या बात है, आज आप जेबी नगर में खड़े हैं, बड़े पैमाने पर भीड़ है, और आज तो स्थानीय रहवासियों में महिलाओं का भी समावेश है, मामला क्या है? मामला यह है कि कुत्ता बिल्ली का खेल है। इसके लिए खेल है कि आज हमारे लिए केंद्र सरकार मर गई है। आज हमने गैस के सामने रोना धोना किया, एक इशारा है केंद्र सरकार को कि महंगाई बढ़ते जा रही है, आम आदमी का पगार कभी जिंदगी में नहीं बढ़ता है, सब्सिडी के नाम पे और लूट करते जा रहे हैं। जो मेरे घर में सिलेंडर 435 रुपए का आता था, सब्सिडी सरकार ने डिक्लेयर की और सरकार ने बोला कि और 435 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएगा, उसके लिए आधार कार्ड जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है कि सब्सिडी के लिए, ग्रांट और सब्सिडी के लिए कहां भी आधार कार्ड की जरूरत नहीं, फिर भी या ये सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन होते हुए भी आधार कार्ड की सख्ती की जा रही है। दूसरी बात है, जो 435 रुपए में गैस मिल रहा था तभी हम सुखी था, भले बढ़ गए हो लेकिन उस टाइम में सुखी था, आज 1270 रुपया बढ़ गया। सरकार हमारे बैंक अकाउंट में 435 रुपए डाल रही है, वो भी 24 घंटे के अंदर नहीं आ रही है, कभी 2 दिन लगता है, कभी 5 दिन लगता है, ये खेल क्या है? बिल्कुल, ये खेल क्या है, ये आलम है एशिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, और खास करके ऐसे लोकतंत्र का जिसके प्रधानमंत्री स्वयं सबसे बड़े आर्थिक विशेषज्ञ कहलाते हैं। महंगाई लोगों को निगलने के लिए आमादा हो चुकी है, भ्रष्टाचार का परचम लोकतंत्र के सबसे शीर्ष पर लहरा रहा है, लेकिन बात की जाए तो कभी डीजल पेट्रोल की कीमतों में लगातार होने वाली वृद्धि, कभी प्याज जो है वह लोगों को आंसू बहाने पर मजबूर करता है, और अब गैस का सिलेंडर जो घर की गृहिणी कही जाती है, जिसके घर घर का जिसके ऊपर तमाम जो दारोमदार है उसके कंधे पर होता है, उन गृहिणी का इस मामले में क्या कहना है, हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मैं माधुरी तिवारी बोल रही हूँ। तिवारी मैडम, बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, पुरुष वर्ग तो जाता है अपने रोजी रोजगार में, अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए वह निकलता है बाहर, कामों में मशगूल रहता है, महिलाएं घर की गृहिणी होती है, गैस के सिलेंडर की बात करें तो वर्तमान स्थिति क्या है? सब्सिडी का क्या नाटक निकाले, सब्सिडी की जरूरत क्या है? अगर 1200 रुपया हम कोई गरीब है जो मान लो नहीं है उसके पास 1200, 435 में तो बेचारे कैसे भी आजू बाजू से भी 150 कम रहता था लेके ले लेते थे, लेकिन अब 1200 कहाँ से कौन भरेगा? जो गरीब के पास 1200 नहीं है वो कहाँ से लेगा? तो ये सब्सिडी का नाटक चाहिए ही नहीं हमको। जैसे मिल
शायद 435 में वैसे मिले। राशन पे भी घासलेट जो आदमी का 5 आदमी है 10 आदमी है उसको भी 5 लीटर, और 5 किलो चावल में क्या घर चलता है किसी का? एक कार्ड पे 8 आदमी है तो भी 5 किलो चावल दिया जाता है, और 5 किलो चावल एक महीना अपना घर आदमी कैसा चलाएगा? आप बताइए, एक आम आदमी कैसा जिएगा? एक आम आदमी कैसे जिएगा? और खास करके सब्सिडी देने की बात की जाती है लोगों को, लेकिन बात की जाए 1200 रुपया व्यक्ति भरे और बदले में 450 के आसपास उसके अकाउंट में सब्सिडी के रूप में पैसे वापस आए, ये आखिर कवायद है तो है क्या? लोग जानने के लिए विवश हैं। क्रियान्वित की जाती है योजनाएं, लेकिन उन योजनाओं की ABCD तक लोगों को पता नहीं है। ऐसे में लोग सोचने पर मजबूर हैं कि इसे बढ़ती महंगाई में वह कमाए क्या और खाए क्या? रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो की तर पर जीवन यापन करने वाला आम मुंबई कर कड़े संघर्ष और अथक प्रयास के चलते इस आर्थिक राजधानी मुंबई को एक नई दशा व दिशा देने के लिए तत्पर रहा करता है, लेकिन जब महंगाई उसकी जो पूरी कमाई है वह पूरी महंगाई स्वरूप जो डायन है वह निकलने के लिए बेकरार है। अल्मेड़ा साहब, आपसे जानना चाहते हैं, आपकी बात हुई इस गैस एजेंसी में जो प्रबंधक बैठे हुए हैं, मैनेजर साहब बैठे हुए हैं, उनसे आपकी बात हुई है, क्या कुछ निकल कर आया सामने? सब यही निकल के आया कि उनके भी हाथ बंधे हुए, अभी भीड़ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। उन लोगों का जो स्टाफ 6 है उसको 8 या 10 बनाना चाहिए उनको, वो रो रहे हैं उनके नाम से, सरकार के नाम से। वो भी बोलते हैं हम भी रोड पे आए, डिस्ट्रीब्यूटर आए, फिर बाद में हम एजेंसी वाले रोड पे आए सरकार के खिलाफ में, लेकिन सरकार की कान की जू है ना, वो हिलती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, विकास की राह अख्तियार करने वाली सरकार चाहती है कि विकास हो, लेकिन क्या विकास का यही पैमाना है? और यदि यह पैमाना है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आर्थिक राजधानी मुंबई सहित पूरे भारतवर्ष की जो जनता है वह जानने के लिए पूरी तरीके से बेकरार है कि आखिर इस तमाम चीजों में वास्तविकता क्या है। लोग जहां 450 रुपए से 500 रुपए एक जो गैस सिलेंडर घर में आता है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब वह सीधे सीधे 1200 रुपए का अधिभार लगेगा और सब्सिडी के तौर पर उसमें से कुछ पैसे उसके अकाउंट में आएंगे, तो आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या सरकार की तिजोरी में पैसे की कमी पड़ गई है? ऐसे कई सवाल है जो तमाम लोगों के जहन में है। कैमरा पर्सन राजीव बारोट से यह गुजारिश करेंगे कि हमारे कैमरे के सामने इन खड़े इन तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करके उन तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जो दर्शक जिनके अंदर यह जिज्ञासा बनी हुई है कि लमन न्यूज पर चलने वाले इस प्रोग्राम की आखिर उसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, आखिर यह प्रोग्राम जो चल रहा है आखिर साबित क्या करना चाहता है यह लमन न्यूज़। तो हम तमाम दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि जो LPG गैस सिलेंडर है, साफ तौर पर यह कटआउट देखे जा सकते हैं। अंधेरी पूर्व के JB नगर में आक्रोशित भाव से यह भीड़ प्रकट कर रही है अपनी आवाज, और उनकी आवाज लगातार सरकार तक पहुंच रही है। उसे पहुंचाना लेमन न्यूज की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह चैनल सिर्फ न्यूज चैनल नहीं, यह व्यूज चैनल है, और मुहिम छेड़ने वाले इस चैनल में स्वागत है उन तमाम लोगों का जिनके जहन में ऐसे कई गंभीर सवालात हैं। हमारे साथ महिलाएं, हम जी, आपका नाम? मेरा नाम एनएस खान है। अभी जिक्र है सब्सिडी का, यह सब्सिडी नहीं है, सब सूली पे चढ़ने वाली बात है, ये सब्सिडी नहीं है, ये सूली पे चढ़ो, गरीब लोग सूली पे चढ़ो, अमीर लोग और अमीर हो जाओ। अब ये आंदोलन ये क्या है, ये सरकार को हमको इसलिए करना पड़ता है कि सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, जब तक रोता नहीं बच्चा माँ भी दूध नहीं पिलाती, और धरना आंदोलन के बिना हमारी सरकार भी नहीं जागती, ये धरना आंदोलन के बिना हमको चलाना है। जाहिर सी बात है, जब बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक उसकी माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है, यह आरोप इनका कहना, और बिना धरना प्रदर्शन किए सरकार की कानों पे जू तक नहीं रेंगती है। और यह लगातार यह जो कार्यक्रम लेमन न्यूज पर चल रहा है यह तब तक प्रसारित किया जाता रहेगा जब तक कि राजनीतिक हलकों में बैठे वह तमाम जिम्मेदार मंत्री जो हैं वह अपनी नींद से जाग नहीं जाते। हमारे साथ और भी महिला हैं, आपका नाम मैडम? नहीं, जो सरकार ने अभी जो निकाला है सब्सिडी वो पहले बंद करना चाहिए, उसकी हमको गरज ही नहीं है। हमको सिर्फ पहले जो 450 में गैस मिलता था वैसे ही चाहिए। इधर सब्सिडी से हम लोग फोन में बात करते हैं, जिसके पास फोन नहीं है उनका कांटेक्ट नहीं होता है, ऐसे सब ये काय के लिए सरकार सता रही है गरीबों को। जाहिर सी बात है, जो हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति के जीने का नजरिया अलग अलग होता है,
और हर व्यक्ति की कमाई भी एक जैसी नहीं होती है। जहां मध्यम वर्गीय परिवार है वहां उच्च श्रेणी के भी तमाम वह लोग हैं, और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की भी एक लंबी फहरिस्त है, जिनके घरों में जब चूल्हा जलता था तो रोटियां पकाई जाती थी, खाना पकाया जाता था, लेकिन अब लोग सोचने पर मजबूर हैं कि वह गैस का चूल्हा इस्तेमाल करें भी या नहीं। जी 1270 रुपए अभी आप सिलेंडर का चार्ज ले रहे हैं तो 435 रुपए सब्सिडी के तौर पे ले रहे हैं, तो असली कीमत क्या हो गई आपको मालूम है? 839 रुपीज का गैस पर अपने सबको पड़ रहा है, तो ये महंगा नहीं तो और क्या है फिर? जाहिर सी बात है पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे की वृद्धि की जाती है तो उसका असर पूरे देश में देखने को मिलता है, और अब एलपीजी गैस सिलेंडर जो लोगों के घरों में पहुंचाया जाता है उसकी कीमत सीधे दुगुनी कर दी गई, और दुगुनी ही नहीं बल्कि तिगुनी कर दी गई है, और जिसमें से एक हिस्सा सब्सिडी के रूप में जो उपभोक्ता है उसके बैंक खाते में आएगा, यह कहना है सरकार का। लेकिन लोग जो है हर घर में तमाम वह लोग रहते हैं जिनके घर में 15 से 17 साल पहले पुराने गैस सिलेंडर हैं और उसका जो रजिस्ट्रेशन है उस व्यक्ति के नाम पर है जो व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया है, अब उसका जो बेटा है उसकी जो पत्नी है वह कैसे गैस हासिल करे और कैसे इस गैस की सब्सिडी हासिल करे, यह बेहद गंभीर मसला है। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग, जी हमारे साथ और भी महिलाएं हैं। मैडम आपका नाम? मेरा नाम रहीमा है। ये सब्सिडी नहीं चाहिए, सब्सिडी कहाँ है? हमारा पैसा जाएगा गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से फिर यही आएगा, इसीलिए हम नहीं जमा कर सकते पैसा, सब्सिडी हम नहीं दे सकते। मेरा नाम वैशाली वसन सावी है, मेरा वो नाम, लेकिन मैंने पैसा दिया है, 8 दिन मेरा हो गया, लेकिन मेरा 8 दिन मेरा पैसा अब तक आया नहीं है सब्सिडी का। अगर जिसके पास 1275 रुपए के नहीं रहेगा, वो क्या खाना नहीं खाएगा, वो गैस चूल्हा नहीं जलाएगा? हाँ, गवर्नमेंट को पैसा इंसान कहाँ से ला के देगा इतना पैसा? मैं अभी साल में मेरे को 5 सिलेंडर मिले हैं, और 5 सिलेंडर होने के बाद मैं उनके पास ऑफिस में गया और उनको स्लिप बताया कि हमारा स्लिप खाली 5 ही सिलेंडर हुआ है, और अभी हमको 1273 रुपये में दे रहा है तो हमको नहीं चाहिए, हम वापस उसको सिलेंडर वापस कर दिया। उसके बाद में उसने क्या बोला, अगर तुम वो बोलता है सिलेंडर वापस कर देंगे तो फिर वापस आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग ने उसको फिर वापस बुला के हम उसको उसके पास से सिलेंडर ले लिया। अभी हम बैंक में जाके खुलासा नहीं किया है कि हमारा पैसा आया कि नहीं है। जाहिर सी बात है, व्यक्ति नौकरी पर जाए अपने काम धंधा करे या बैंक में जाकर यह पड़ताल करे कि उसके हिस्से का सब्सिडी अब तक आया है कि नहीं। हमारे साथ सरकार से एक चेतावनी वाली बात कहता हूँ, आग पानी हवा और जनता, इसके साथ जब तुम मिलकर रहोगे तो वे तुम्हारा साथ देगी, अगर ये कभी बिगड़ जाएगी तो ये सरकार भी गिर के खाक हो जाएगी। तमाम वह नेता जो आने वाले साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत का जो परचम है वह लहराने के लिए बेकरार हैं, ऐसे लोगों के लिए जनता की यह चेतावनी है कि यदि जनता को मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं हैं यदि उसके साथ खिलवाड़ किया गया तो आने वाले चुनाव का जो मंजर होगा वह भी विकट भरा होगा। और हमारे साथ और भी महिलाएं, आपका नाम? मेरा नाम नीला जाधव है, मैं आनंद नगर में रहती हूँ। हम लोग बर्तन घस के काम करते हैं तो 1200 रुपए हम लोग कहाँ से, 1270 वो भी 1200 रुपए भी नहीं है, 1270 आता है तो हम लोग इतना पैसा कहाँ से लाए, फिर उतना सारा पैसा 1300 रुपए कितना पैसा कम है आपका, फिर इसलिए हम इतना बोल रहे हैं कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए सरकार को, इतना हमारे गरीबी को ध्यान से रखो। एक तो बिल्डिंग में रहने वाले की बात ठीक है, लेकिन गरीब लोग कैसा जगेंगे? ऊपर से लाइट बिल का पैसा कितना आता है, कितना भी जाओ 1000 रुपए का सिवा पैसा कम आता नहीं है। बच्चे लोगों को पढ़ाना है हमें, बच्चे लोगों से खाना बिना कैसा खिलाएंगे? जाहिर है इस आर्थिक राजधानी मुंबई को शंघाई बनाने का सपना राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी था और है, लेकिन जिस प्रकार से इस आर्थिक राजधानी में रहने वाला एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है उसके घरों में महीना पूरा होते ही बिजली का बिल जिस प्रकार से एक लंबा चौड़ा भेज दिया जाता है, और उसके बाद अब एलपीजी के दामों में लगातार हो रही वृद्धि, ऐसे में लोग यह सोचने पर विवश है कि इस मुंबई में वह रहे भी या नहीं। क्या मुंबई से लोगों को खदेड़ने की एक कवायद तो नहीं है? नहीं। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। जी हेलो, जरा सरानी मराठी समझे सांगायचे तात्पर्य, माणसाने ह्या जन्मामध्ये जगावं की मरावं हे आपण माणसांनी ठरवायचं आहे,
पण ते माणसाला जगू देखील देत नाही। हे सरकार कशा प्रकारचं आहे? ह्या सरकारला एकदम खाली पाडलं पाहिजे आणि सरकार आपल्या प्रकारची झाली पाहिजे, तर ते सरकार आहे। नाहीतर या महाराष्ट्रामध्ये या केंद्र सरकारमध्ये कुठल्याही सरकारचा माणूस जाता कामा नये। ही माझी तुम्हाला नम्रतेची विनंती आहे, कारण यासाठीच आपण जगत आहोत आणि याच्यावर जगायचं आहे। आणि हे जगलो नाही तर मग आमचं जीवन कसं आहे? आज मी उपाशी पोटी घरात राहतोय, 2000 रुपये मुलगा देतोय, फक्त 2000 रुपये। 2000 रुपये मध्ये घर चालेल का? भाई मुंबई में 50 साल हो गया, लेकिन हमको 6000 पगार मिल रहे। ये 6000 पगार में मैं गैस कितने में लेगा, घर का भाड़ा कितना लेगा, इलेक्ट्रिक बिल कितना देगा, ये आप देना उल देना। हम लोग को बांग्लादेश अमेरिका से नहीं आए इधर, हम लोग इंडियन है। काय के लिए लूटते आप लोग? गवर्नमेंट चोर है। आज ही, हाँ आज ही मेरे घर पे सिलेंडर आया है। वो बोल रहा है कि 4th सिलेंडर है और 4th सिलेंडर का मेरे को बोल रहा है कि 1273 रुपीज। जब ये लोग बोल रहे हैं कि 9 सिलेंडर देंगे या 12 सिलेंडर देंगे, अब ये 4th सिलेंडर पे ये लोग बोलते हैं कि 1273 रुपीज आपको भरना पड़ेगा। इसका सब्सिडी का पैसा आपके बैंक में आएगा। हम लोग सुबह काम पे जाते हैं 8 बजे और ये बैंक में कभी आएगा, क्या आएगा, हम लोग को कैसा समझेगा? ये सबसे अन्याय कर रही है। ये सरकार जो है ये बहुत बड़ी अन्याय कर रही है। अब ये 4th सिलेंडर पे वो मेरे से 1273 रुपया ले रहा है, किस चीज का ले रहा है? ये बीपीसीएल वाला अभी मेरे को देखेगा, अभी मेरे पास पर्ची है, अभी जस्ट देखेगा। वो 1 महीने से सिलेंडर नहीं आ रहा था, उसको रिक्वेस्ट कर करके आज सिलेंडर आया है और वो 1273 रुपए का मेरे को पर्ची दे रहा है। बोलते हैं आपका 4th सिलेंडर है, 4th सिलेंडर से आपको सब्सिडी वाला सिलेंडर लग जाएगा। पूरी मनमानी चल रही है, खास करके अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी और टका शेर। और यहाँ के मंजर को देखने के बाद ये तमाम चीजें जो है वह साफ तौर पर आसानी से समझ में आती है। मैं छोटे लाल त्रिपाठी, हसनपाड़ा के रहने वाले ज्येष्ठ नागरिक, ये भारत गैस का मैं ग्राहक हूँ। आज भी या तो देखो मेन क्या है, यहाँ का महाराष्ट्र सरकार का मेन आदमी कौन है? पृथ्वीराव चौहान। पृथ्वीराव चौहान को ये सोचना चाहिए कि आज इलेक्शन का टाइम आ गया, सब कुछ आ गया है, तो अभी तुम अभी परसों में कल पेपर में देखा कि अभी सरकार अपना इलेक्ट्रिसिटी का भाव कम करने वाली है और पानी का भाव कम करने वाली है, और तो गैस का भाव ये सब्सिडी के नाम से हम लोग को जनता को क्यों लूट रही है? अगर यही प्रकृति रही अगर हमारे महाराष्ट्र सरकार का, तो एक दिन ऐसा होगा कि उसको हाथ बजाते चला जाना पड़ेगा यहाँ से। जनता की जो समस्याएं हैं क्या वह समय रहते सुलझा ली जाएंगी? यह सवाल बेहद गंभीर है जी। अभी आप एक बताओ, इधर जो सिलेंडर बुक करते 4 मिलता, अभी उनसे वजह से उन्हें भाई साहब ने बताया, बराबर है, आधार कार्ड लेके ये हो, ये चाय वाले और होटल वाले को कहाँ से आधार कार्ड है? चाय वाले और होटल वाले को किधर आधार कार्ड है? वो ब्लैक से कैसे मिलते हैं उनको? तू पर ताबड़तोब कैसे मिलते हैं जगह पे ऐसा रुका है? ताबड़तोब मिलते हैं वो कौन से हिसाब से? उनके आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, ये 5-5 दिन आके इधर से चले जाते। बहुत बड़ा गंभीर मामला इन्होंने चीज पे प्रकाश डाला है। खास करके बात की जाए तो मुंबई में कुकुरमुत्तों की भांति जगह जगह पर चाय के स्टॉल है, चाइनीज के स्टॉल है, और ऐसे तमाम लोगों को ज्वलनशील चीजों पर जो खाद्य पदार्थ है वह पकाते हुए देखा जा सकता है, और वह भी रसोई गैस के ही बलबूते पर। तो उनको हासिल कैसे होता है गैस सिलेंडर, यह भी सवाल बेहद गंभीर है, और ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। हमारे साथ यहाँ पर भी अभी तक मेरा भी आधार कार्ड नहीं आया ले, मगर अभी नहीं आया तो ये लोग हमारा भी फॉर्म लेना चाहिए ना। मुंबई में जहाँ जहाँ आधार कार्ड के केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर भी बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए उसे पर्यायी तौर पर बंद कर दिया गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर इस मुंबई में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड है ही नहीं। तो आखिर आधार कार्ड की आवश्यकता इतना क्यों? और लोग जो हैं वह आहत हैं, कोस रहे हैं सरकार की आर्थिक नीतियों को, और सरकार खुलासा करे कि आखिर लोग खाएं क्या और कमाएं क्या, और खास करके जो गैस सिलेंडर है उसके लिए वह अपने जेब से जो पैसे हैं वह किस प्रकार से निकाले। हमारे साथ अल्मेडा साहब है। अल्मेडा साहब मुझे एक बात बताइए, आने वाले दिनों में यदि इस मसले पर कोई पारदर्शिता कोई सकारात्मक निर्णय नहीं आया तो वॉचडॉग फाउंडेशन का स्टैंड क्या होगा? ये जो सरकार है ना, एक केचुए की सरकार है, जैसा अर्थवर्म बोलता है ना दो मुंह की, ये इतना खाता अर्थवर्म के पूछो मत, ये दोनों साइड से इसका मुंह है। ये सरकार उसी तरह का है, दोनों साइड से खाता और इतना पेट भर के आराम करता है
ये कुंभकर्ण की नींद सो जाता है, उसको लोगों का कुछ पड़ा नहीं। सरकार को मैं एक चेतावनी देता हूँ, केंद्र हो या राज्य सरकार हो, फिर वो कांग्रेस की हो या किसी की भी हो, हम अभी थक गए। हमको लॉलीपॉप 60 साल से कांग्रेस पार्टी देते है गरीबी के नारे से, सब्सिडी के नारे से। अभी हमको लॉलीपॉप देना बंद करो। इस बार इस आने वाला लोकसभा इलेक्शन के अंदर लोग आपको लोखंड के लॉलीपॉप खिलाएंगे, अभी उसका उत्तर देंगे। क्या आप हमारे दरवाजे में आए? महंगाई का सवाल कम करो, महंगाई कम करो और लोगों को जाके घर घर में। आज हमारा इधर आना क्यों पड़ा? हम ग्राहकों के ये सेंटर पे क्यों आना पड़ा? ये प्रॉब्लम हमारा विधायक ने सॉल्व करना चाहिए था बस्ती के अंदर, लेकिन विधायक को कुछ पड़ी नहीं। उसको मानो इलेक्शन के टाइम में नोट बात करता है, नोट से वोट मिलेगा, लेकिन जनता इस बार तुम्हारा नोट भी खाएगा और वोट है ना दूसरे को देगा। जनता एक प्रकार से जागरूक हो चुकी है और उसे निर्णय क्या लेना है वो अभी लगभग जान चुकी है। और बात की जाए चार राज्यों में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद बड़े पैमाने पर जागरूकता लोगों में आई है। हमारे साथ यहाँ पे जी जी ए, इतना छोटा बच्चा, मामा सिलेंडर नहीं मिलते, हाउ मच टेंशन फॉर यू। इतना छोटा बच्चा जितना टेंशन सिलेंडर। एक बार और जानना चाहता हूँ मामा, सिलेंडर नहीं मिलते, हाउ मच टेंशन फॉर यू। शो बच्चा देखो इतना टेंशन बच्चों को, इतना छोटा बच्चों को जिसको समझ नहीं, तो हमारा हालत क्या होता रहेगा। बुजुर्गों को, महिलाओं को, प्राण को, तमाम लोगों को हमने देखा, लेकिन अब उस बच्चे के अंदर भी वह जिज्ञासा बन चुकी है और साफ तौर पर उसने अपने इशारे से बता दिया है कि उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा। यदि यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो जाहिर सी बात है कि लोगों को बद से बदतर हालात का सामना करना पड़ेगा। इस मंजर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक आम मुंबईकर अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है और सरकार जो है वह हाथ पर हाथ धरे सिर्फ तमाशा देखने का काम कर रही है। और खास करके इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज को देखने वाले उन तमाम दर्शकों से गुजारिश है, यदि आपके सामने भी इस तरह की कोई समस्याएं हैं, यदि आपके सामने भी भ्रष्टाचार का ताना बाना कहीं बुना जा रहा है, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और खास करके अल्मेड़ा साहब बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, कभी प्रदूषण को लेकर, कभी राहगीरों के लिए चलने के लिए जो फुटपाथ बंद किए जाते हैं उसको लेकर, कभी मेट्रो को लेकर, कई चीजों को लेकर आपने विरोध प्रदर्शन किया, बिजली बिल को लेकर किया, तमाम चीजों को लिया, अब गैस का नंबर है। क्या लगता है, क्या चुनाव के दौरान ही एक तरफ भाव कम किए जाते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए? क्या यह वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो नहीं है? सचमुच वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। अभी बिजली का दाम जब बढ़ गया इधर और लोग चिल्लाने आए, सब पॉलिटिकल पार्टी रस्ते पे आए, लोग ने हाहाकार मचाया, तो दिल्ली वाला फॉर्मूला इधर वापर लिया है इन लोग ने। 50% बिजली का बिल कम करने का आज मंत्रिमंडल में बैठक है और सरकार करेगी, भले उसको 6,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देना पड़ेगा, उसको किधर उसके बाप के खिसे से देना पड़ता है, उसको तो आम आदमी टैक्स पेयर का ही पैसा उनको वापिस देना पड़ता है। वो इस देश को, इस स्टेट को बर्बाद करेंगे, कर्जे में रखेंगे और फिर तुमको सब्सिडी देंगे, लेकिन बोलेगा वोट इस बार मुझे ही दो, मुझे ही वोट दो, और फिर बाद में वापिस सत्ते में आने के बाद में वो कर्जा कभी जिंदगी में मिटने वाला नहीं, कर्जे पे कर्जा चढ़ते जाएगा। लेकिन ये देश को सोने की चिड़िया जो थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, हम लोग उसको देश को, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोलती थी, आज इसको भिखारी अगर बनाने का काम किया रहेगा तो ये राजकर्ता ने और ये सभी नेता और पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस ने जो 60 साल से सत्ता कर रही है। किसी जमाने में भारतवर्ष को कहा जाता था सोने की चिड़िया और चंद भ्रष्टाचारियों ने मिलकर इस चिड़िया के पर इस कदर कुतर डाले कि आसमान में उड़ने की बजाय जमीन पर फड़फड़ाता हुआ अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। आजादी के बाद जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का एक बड़ा खाका सामने आया, उसके बाद उस पर कार्रवाई क्या हुई, कितनों को सजा मिली, आम मुंबई कर जो है पहले की अपेक्षा अब जागरूक हो चुका है और अब उसे यह अच्छी तरह पता है कि चुनाव के दौरान अब उसे वोट देना ही है और वोट देना है तो किसे देना है वह भी जनता जान चुकी है। आने वाले दिनों में यदि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं हुई तो आने वाला समय भी विकट भरा हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आखिरी एक बात कहता हूँ, ना अंग्रेजों ने लूटा, ना मुगलों ने लूटा, इस देश को इस देश के भ्रष्टाचारों ने लूटा।
भ्रष्ट की सुनामी से उठती है महंगाई की लाट और मेरी देश की जनता मर रही है, चल रही है मौत के घाट। बहरहाल हमारे आज के इस सफर में इतना ही, कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक चले दीजिए मुझे संजय मिश्रा को इजाजत, नमस्कार। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे।